हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इसराइल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेचर लवर इसराइल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आपके गुलदावदी जो क्राइसेंथेमम प्लांट हैं उनमें कलियां नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, क्राइसेंथेमम फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और सभी गार्डनर इसको लगाना बहुत ही पसंद करते हैं। इसके बहुत सारे कलर ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी वैरायटी भी होती है, और अगर हम एक प्लांट अपने गार्डन पे ऐड करते हैं तो नेक्स्ट ईयर उससे हम बहुत सारा प्लांट फ्री में हम बना लेते हैं। तो देख सकते हैं, ये मेरा क्राइसेंथेमम का प्लांट है और देख सकते हैं इस पर कलियाँ भी बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, गुलदावदी में कलियां नहीं बन रहे हैं, इसका पहला कारण यही है कि अगर आप इस प्लांट को जहां पे 30 मिनट या 1 आवर का सनलाइट आता हो उस प्लेस पे अगर ये प्लांट को लगाते हैं तो क्या होता है ना, इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सही से होता नहीं है, इसलिए प्लांट का ग्रोथ भी रुक जाता है और प्लांट पे कलियाँ नहीं बनते हैं। अगर आप क्राइसेंथेमम प्लांट लगाते हैं तो आप इसे ऐसे जगह लगाएं जहां पे इसे 5 से 6 घंटे की धूप इसे अच्छे से मिले और ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत ही अच्छे से कर पाए। और फ्रेंड, इसका दूसरा कारण यही है कि ओवर वाटरिंग। अगर इसके गमले की मिट्टी गीली रहती है तो इस पर दोबारा आप इस पर वाटरिंग बिल्कुल ही नहीं करें। अगर इसके ऊपर की मिट्टी थोड़ा ड्राई दिखे उसके बाद आपको वाटरिंग करना है। अगर आप बार बार इस पर वाटरिंग करेंगे क्या होगा ना, इसके जड़ों में पानी बना रहेगा और क्या होगा ना, ये प्लांट क्या ख़राब हो सकता है और कलियाँ भी नहीं बनेंगे। और इसके गमले की मिट्टी भुरभुरी ही होनी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी। अगर इस पर ओवर वाटरिंग हो भी जाता है, अगर ज़्यादा पानी आप दे भी देते हैं तो पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए और जल्दी से सूख जाए। और फ्रेंड, इसका तीसरा कारण यही है कि फर्टिलाइज़र अगर आप इस पर नहीं देंगे तो इस पर कलियाँ भी नहीं बनेंगे और फ्लावर्स भी नहीं आएंगे। तो फर्टिलाइज़र में क्या करना है, तो आप इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमें ऑर्गेनिक ही ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो केमिकल में क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा बहुत अगर हो जाता है तो प्लांट्स के लिए बहुत ही ख़राब होता है, प्लांट्स ख़राब हो सकता है। ऑर्गेनिक में अगर हम ज़्यादा कम भी हो जाए तो उससे कुछ नहीं होता है, प्लांट को कुछ भी हानि पहुँचता नहीं है। तो ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक ही यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थोड़ा स्लो रिलीज होता है, इसका थोड़ा देर में रिजल्ट मिलता है, और केमिकल जो होता है उसका फास्ट रिलीज होता है, उससे जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो आपको ज़्यादा ही मतलब ऑर्गेनिक ही यूज करना चाहिए, चाहे वो देर में उसका रिजल्ट मिले। तो फर्टिलाइज़र में आप उसे मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो ये कैसे बनता है मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र में क्या होता है ना, बहुत सारा प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है और मैग्नीशियम होता है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए, और कलियाँ भी बहुत सारे बनते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से करता है। तो ऑर्गेनिक में आप मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र आप प्लांट को दे सकते हैं। तो इसको क्या करना है, अभी ये जितना है इसको क्या करना है, 20 से 25 लीटर पानी में इसको मिक्स करके प्लांट्स को देना है। अगर आप केमिकल यूज करना चाहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो DAP है, देख सकते हैं DAP है, तो इस पर क्या होता है ना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग का फ्लावर का साइज भी बड़ा होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स भी आते हैं, कलियाँ भी बनते हैं। तो अगर आप इसे देना चाहते हैं तो अगर आप 7 इंच के पॉट पर प्लांट लगाए हैं तो उस पर 6 से 7 दाने आप दे सकते हैं, अगर आप 10 इंच के पॉट में लगाए हैं तो 10 से 12 दाने आप प्लांट्स पे डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा ना, प्लांट्स ख़राब हो सकता है, प्लांट जल सकता है। और अगर आपके पास ये दो फर्टिलाइज़र ना हो तो आपको क्या करना है, प्याज के छिलके को लेकर आप 1 लीटर पानी पे भिगो कर रख देना है 4 से 5 दिन तक। उसके बाद क्या करना है, उसको छान लेना है, छान लेने के बाद 10 से 15 लीटर पानी पे उसको मिक्स करके आप सभी प्लांट पे थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं और प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र में कैल्शियम, पोटासियम और आयरन की मात्रा बहुत ही बढ़िया ज़्यादा क्वांटिटी पे होती है, जिससे प्लांट ग्रोथ का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है और प्लांट स्ट्रांग भी बनता है और प्लांट्स पे कलियाँ भी बनती हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।